नौशाद साहब के स्ट्रगल के दिनों की बात है, जब बंबई आए थे, रहने का ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने ब्रॉडवे थिएटर के पास बने शिवाजी भवन के फुटपाथ को ही बना लिया था अपना आशियाना। नौशाद जब उस फुटपाथ पर सोया करते थे तो सड़क के दूसरी तरफ यानी ब्रॉडवे थिएटर से रोशनी आती थी। उस रोशनी को देखकर नौशाद ये सोचते थे कि या खुदा, ये रोशनी मेरी जिंदगी में कब आएगी। ब्रॉडवे थिएटर के सामने वाले इसी फुटपाथ से नौशाद ने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की थी। धीरे धीरे काम मिलने लगा, पहले म्यूजिशियन बने, फिर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, और 1940 की फिल्म प्रेम नगर से उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्शन की शुरुआत की। 1944 की फिल्म रतन ने उन्हें बहुत कामयाबी दिलवाई, और 40 या 60 रुपया महीना पर काम करने वाले नौशाद अब हजारों रुपए कमाने लगे। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नौशाद की लाइफ में अब वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने नौशाद को हिंदी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया, और वो फिल्म थी बैजू बावरा। इस फिल्म की सिल्वर जुबली उसी ब्रॉडवे थिएटर में हुई जिसके सामने के फुटपाथ से नौशाद साहब ने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की थी। नौशाद साहब को जब इस फंक्शन में फूल मालाएं पहनाई जा रही थीं, प्रेस मीडिया उनकी तस्वीरें खींच रहा था, लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तब नौशाद उस फुटपाथ को देखकर बहुत जज्बाती हो गए, उनकी आंखें भर आईं। बैजू बावरा फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने नौशाद से पूछा, नौशाद साहब, इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू? तब नौशाद ने उनसे कहा, विजय भाई, इस ब्रॉडवे थिएटर के सामने वो फुटपाथ है, देख रहे हैं आप, मैं कभी उसी फुटपाथ पर रहा करता था, मुझे वो फुटपाथ क्रॉस करके ब्रॉडवे थिएटर आने में 16 साल लग गए, इसीलिए आंखें भर आईं, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। खैर, ये गाना तो कैफी आजमी साहब का है, मैं आपको किस्सा मैंने नौशाद साहब का सुनाया। पेशे खिदमत सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, आज याद करेंगे उस कलाकार को जिसे भोजपुरी फिल्मों का पितामह भी कहा जाता है। कौन है ये, क्या है इनकी कहानी, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।